जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज एक बार फिर चर्चा में आया। इस बार कॉलेज के एक असिस्टेंट प्रोफेसर पर वहां इंटर्नशिप कर रही छात्राओं को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। छात्राओं ने शिकायत में बताया कि कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर फिजियोथेरेपी द्वारा सभी छात्राओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। लगातार हमें पहनावे और हमारी शारीरिक संरचना को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहते हैं। इसकी वजह से सभी छात्राएं मानसिक पीड़ा से गुजर रही है। वहीं छात्राओं का दावा है कि डीन तक की शिकायत भी की गई थी, परंतु नहीं की गई किसी भी तरह की कार्रवाई। छात्राएं मेडिकल कॉलेज में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। सिटी इन भारत से शोभित गारू की रिपोर्ट, जबलपुर। मैंने डीपीटी कोऑर्डिनेटर विभागाध्यक्ष ऑर्थोपेडिक और मेरे कार्यालय में पता करने की कोशिश की, कोई लिखित शिकायत हमारे यहाँ नहीं आई है, किंतु कल पत्रकारों के द्वारा इसकी जानकारी मिली थी। आज न्यूज़पेपर में मैंने उसकी क्लिपिंग देखी हुई है और आज सुबह मैंने इस पर भी एक जांच समिति बना ली है। जांच समिति के तीनों सदस्य मेरे चैम्बर में बैठे हुए थे और छात्राओं को मैंने बुलवाया है, पैरामेडिकल बीपीटी के जितनी छात्राएं हैं, और आज ही उसकी जांच पूरी की जाएगी और उसमें जो भी गलती में होगा उस पर कार्रवाई होगी। हो सकता है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये प्रारंभिक जाँच है। इसके बाद में इसको महिला उत्पीड़न समिति के हमारे यहाँ होती है, जिसमें कि स्वतंत्र सदस्य भी होते हैं, उनसे भी हम जांच करवाएंगे और कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि अब तक ये मामला नहीं था, लेकिन छात्राओं का यह कहना है कि शिकायत आप तक भी पहुंचाई गई थी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या कहेंगे? मेरे कार्यालय में कोई कागज नहीं आया है। डॉक्टर वर्मा जी ने भी कहा, उनको मौखिक रूप से लिखित रूप से कोई शिकायत नहीं मिली है। डॉक्टर फौजदार जो है, उन्होंने यही कहा कि मौखिक रूप से लिखित रूप से कोई शिकायत नहीं मिली है। छात्राओं का कहना है कि उन्होंने शिकायत की है, तो उसकी कॉपी मेरे को मिल जाए तो अच्छा रहेगा। जो समिति है इसमें किन किन को रखा गया है? इसमें डॉक्टर गीता जी को है, डॉक्टर ममता गौर है और डॉक्टर ऋतु गुप्ता है।